Hello, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a very interesting topic that is cyber attacks. So, सबसे पहले cyber attack क्या होता है? Cyber attack is a cyber crime that uses one or more computers to target a single or numerous computers or network. तो एक तरह का cyber crime ही है जो एक या एक से ज़्यादा computer को target करता है या फिर बहुत सारे network को. तो cyber attack use करते हैं हम intentionally disable करने को machines को, डाटा चोरी करने को या कोई एडिशनल अटैक्स डालने को, रैंसमवेयर, फिशिंग, मालवेयर एंड डिनाइल ऑफ सर्विसेज. कुछ टूल्स हैं जो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं कि वो साइबर अटैक को स्टार्ट कर सके. तो अगर हम कॉमन साइबर सिक्योरिटी अटैक्स बताएं तो सबसे पहला है मालवेयर. तो मालवेयर एक वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स है जिसमें वॉर्म्स, वायरसेस, स्पाइवेयर सब आते हैं. तो जब यूज़र ओपन करता है एक प्लांटेड हार्मफुल लिंक या कोई ईमेल अटैचमेंट जो इस इंटेंशन से भेजी हो कि मालवेयर उसमें आए, तो उस वो एक मेलिशियस कोड उसके लैपटॉप में या सिस्टम में या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और फिर वो वर्नेबिलिटी डाल रहा है कि वो नेटवर्क को ब्रीच करे. बहुत कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर जो आपने देखे होंगे वो होंगे वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स, रैंसमवेयर एंड स्पाइवेयर. देन द अदर इज फिशिंग. फिशिंग अटैक्स बहुत फ्रीक्वेंट है और ये इंक्लूड करते हैं मतलब लार्ज नंबर ऑफ काउंटरफिट ईमेल्स जो कंटीमेटेड या गलत ईमेल्स होती हैं ताकि वो अनसस्पेक्टेड यूजर्स वाइल प्रिटेंडिंग कि वो एक ट्रस्टवर्दी सोर्स है. देन देयर इज मैन इन द मिडल अटैक. तो जब अटैकर इंटरसेप्ट करता है दो पार्टी ट्रांजेक्शन और उसमें अपने आप को इंसर्ट कर देता है मिडल में, दैट इज द मिडल मैन अटैक. ये ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देता है, साइबर इंटरेस्ट स्टील कर लेते हैं और डाटा वहाँ से चेंज कर लेते हैं. देन द अदर इज डिनाइल ऑफ सर्विस. तो जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है वो ओवरलोड कर देता है रिसोर्सेज को या बैंडविड्थ को बाय फ्लडिंग द सिस्टम या सर्वर्स को ट्रैफिक के साथ और ये सिस्टम अनेबल होता है फिर कोई भी लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाता है. देन द अदर इज एसक्यूएल इंजेक्शन. तो जब अटैकर यूजर यूज़ करता है एसक्यूएल सर्वर क्वेरी लैंग्वेज ताकि वो मेलिशियस कोड को इंजेक्ट कर सके सर्वर में और सर्वर को फोर्स होता है कि वो डाइवर्ट कर सके प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन को. देन द अदर इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक में मलेशियस स्क्रिप्ट को एम्बेडेड किया जाता है इन्फॉर्मेशन में फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से होती है और उनके साथ अटैच किया जाता है डायनामिक कंटेंट जो डिलीवर होना है उसके साथ अटैच किया जा सकता है जिसको भी आपने विक्टिम बनाना है उसके ब्राउजर पे. देन द रूट किट्स. रूट किट्स एक हिडन इनसाइड होते मतलब एक हिडन तरह के कोड या क्या कहते हैं साइबर अटैक्स होते हैं जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर छुपे होते हैं और वो एलो करते हैं कि वो सिस्टम का रिमोटली कंट्रोल ले लें और सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एसेस को एक्वायर कर लेते हैं. देन द अदर इज जीरो डे एक्सप्लॉइट. तो एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबल सिस्टम जब वो एक न्यूली या रिसेंटली अनाउंस्ड होता है जब उसमें फिक्स होते हैं या उससे हम जीरो डे एक्सप्लॉइट बोलते हैं. तो जीरो डे अटैकर्स एडवांटेज लेते हैं न्यूली डिस्कवर्ड वल्नरेबिलिटी का विद ए ब्रीफ ऑफ विंडो जब कोई सोल्यूशन या प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल उसमें नहीं होते, यानी कोई भी हमने एंटीवायरसेस नहीं डाले होते, अभी कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किए होते. पासवर्ड अटैक. तो ये बहुत मोस्ट कॉमन टेक्निक है किसी भी सिक्योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए. ये एक अपीलिंग टारगेट है साइबर क्रिमिनल्स का. देन द आईओटी अटैक. तो ऑल्सो इंटरनेट कनेक्टिविटी या कोई भी डिवाइस जो कन्वीनियंस या यूजर को यूज़ देता है तो वो उसमें अटैकर्स भी होते हैं मोस्टली ऑलमोस्ट इन्फिनाइट. तो नंबर ऑफ एक्सेस पॉइंट होते हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर सके और एक हैवक कॉज कर सके. तो अटैकर्स ब्रीच करते हैं एंट्री पॉइंट में और यूज़ करते हैं उसे एज ए गेट टू एक्सप्लॉइट अदर डिवाइसेस इन द नेटवर्क क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी होती है थिंग्स की मतलब कंप्यूटर की नेटवर्क की. तो प्रिवेंट कैसे करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिटेक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है एंड देन रिकवर करना है. तो सबसे पहले हमें करना है कंडक्ट ऑडिट्स रेगुलरली. तो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स एक कंप्रिहेंसिव 360 डिग्री असेसमेंट देते हैं कंपनी सिक्योरिटी पोस्चर को. ये रिकोगनाइज करते हैं जो भी वर्नेबिलिटीज़ हैं या रिस्क हैं या थ्रेट्स हैं जो कंपनी फेस करती है एज वेल एज उनका क्या इम्पैक्ट होगा नेटवर्क सिक्योरिटी पे, डाटा सिक्योरिटी पे या ऑपरेशनल सिक्योरिटी पे. तो इन्हें हमें रेगुलरली करना चाहिए. देन ब्रिंग अवेयरनेस टू द स्टाफ आफ्टर अबाउट साइबर अटैक्स. तो जो एक सक्सेसफुल सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम यही है कि आप इंश्योर करो कि आप एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दे सको अपने सारे स्टाफ को कि किस तरह से आपने साइबर थ्रेट्स आपको इफेक्ट कर सकते हो, किस तरह आपने आपको ट्रीट करना है. फॉर इंस्टेंस आपका फिनांस और एचआर डिपार्टमेंट को रेगुलरली टारगेट किया जा सकता है क्योंकि उनके प्रिविलेज एक्सेस होते हैं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पे.
कीप योर सॉफ्टवेयर सिस्टम अपडेटेड. तो जैसे जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा तो वो बहुत वल्नरेबल टारगेट हो जाएगा साइबर क्रिमिनल्स के लिए. तो मैंने बिल्ट इन फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, मतलब दूर रखते हैं. जैसे साइबर रिस्क जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपडेट्स देते रहेंगे ताकि आप उन अपडेट्स को आपको उन अपडेट्स को करते रहना चाहिए ताकि आपको अवर चेंजिंग थ्रेट जो भी साइबर क्रिमिनल्स है तो उन पर आप अवेयर हो. देन द अदर इज इंस्टॉलिंग एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स. तो एंड पॉइंट थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स ETDR, जिसे हम EDR भी कहते हैं, ये एंड पॉइंट सिक्योरिटी सिस्टम है जो रियल टाइम कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हैं डाटा कलेक्शन को और इनमें ऑटोमेटेड रिएक्शन एनालिसिस कैपेसिटी के रूल्स बेस्ड होते हैं. देन डिप्लॉइंग नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल. तो एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो टिपिकल स्टेटफुल जो हमारे पास फायरवॉल्स है उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करती है. तो जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं जैसे एडवांस मेलवेयर एप्लीकेशन लेयर अटैक, तो वो ये सब ब्लॉक कर देती है. देन इज इंस्टॉलिंग स्पैम फिल्टर्स एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर. कुछ इस तरह की स्पैम फिल्टर एप्लीकेशन जो अनवांटेड या अनऑथोराइज्ड ईमेल्स को ब्लॉक कर देती है ताकि वो इनबॉक्स तक ना पहुँचे. या स्पैम फिल्टर जो फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर है जो एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि कौन से मेल्स आने हैं कौन से नहीं. देन बैकअप इनक्रप्ट डाटा. एक इनक्रप्टेड बैकअप इज एडिशनल सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है ताकि वो अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सके अगर वो चोरी हो जाए मिसप्लेस हो जाए या कंप्रोमाइज हो. देन द अदर इज यूजिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी सोल्यूशन जो अलग अलग दो तरह के फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज करता है जब भी हमें कुछ एक्सेस लेना हो. तो ये एक सिक्योरिटी फीचर जो अनवांटेड या अनऑथोराइज यूजर्स को पासवर्ड जैसी चीज़ों से दूर रखता है, मतलब वो चोरी नहीं कर पाते हैं. देन द अदर सिक्योर कॉन्फिडेंशियल डाटा. तो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज ए कंसर्न विद प्रिवेंटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड कि वो किसी भी ऐसे बंदे के पास ना चली जाए जो ऑथोराइज नहीं है. तो इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना कि उसके जो सिमेंटिंग्स है वो सिर्फ उन्हीं तो एसेसिबल हो, वो ही देख सके जिनके पास उनका एक्सेस हो. तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंश्योर्ड बाय कुछ इस तरह के मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना है जैसे डाटा एक्सेस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट. देन द अदर इज इन्वेस्ट इन साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस. तो एज पर US साइबर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा एविलेट कर लेता है जब इस तरह के लॉसेस है जैसे डाटा थेफ्ट होना डिस्ट्रक्शन DOS के अटैक्स हैकिंग एक्सटॉर्शन डिमांड्स डाटा ब्रीच क्राइसिस मैनेजमेंट एक्टिविटी. तो डाटा हमें मतलब साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए. सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हियर. तो साइबर अटैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हैं, बहुत टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स हैं विद मैलिशियस ऑब्जेक्टिव. तो साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंटिव टैक्टिक्स वेरी करते हैं कौन सा अटैक है और क्या स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस है क्या बेसिक IT हाइजीन है. तो हमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में पढ़ा और हमें उन्हें सक्सेसफुली कॉम्प्रिहेंडेड भी करना चाहिए ताकि कोई भी ब्रीचिंग ब्रीच हमारे नेटवर्क में या सिक्योरिटी में ना हो. तो आप बताइए आप कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करते हैं और कौन कौन से आपको अभी करने हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.